अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर नासिर है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कैट स्किन इन्फेक्शन। आज हम बात करेंगे कैट में कौन कौन से स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं और किस वजह से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैट्स के अंदर जो स्किन इन्फेक्शन है वो स्कैंडी टू ट्रोमा होता है। मिसाल के तौर पर अगर उनको चोट लग गई है, किसी को कैट बाइट हो गई है, तो उनको स्किन इन्फेक्शन, उनकी स्किन जो एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो जाती है। बेसिकली स्किन एक सबसे बड़ा ऑर्गन है कैट बॉडी में, जो कि 1/4 पार्ट कवर करता है। लेकिन कोई भी अगर वहाँ पे ट्रोमा हो जाए तो बेसिकली वो एक बैरियर के तौर पे काम करता है। लेकिन जैसे ही वो स्किन एक्सपोज होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सपोज होगी, तो बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस वगैरह वो वहाँ पे डीप इंसर्शन कर जाते हैं। तो मोस्टली जो मेल न्यूटर है, अगर वो न्यूटर नहीं हुए हुए तो वो अगर होम से बाहर जा रहे हैं तो उनको स्किन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। फिर वो बाहर जाके लड़ाई वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से उनको एब्सेस बन जाती है। पहले तो वो इन्फ्लेम्ड होती है, रेडनेस वगैरह होती है, उसके बाद वो फिर पस फील्ड हो जाती है, जो कि बड़ा इशू बन जाता है। इस तरह जो कैट्स हैं उनमें भी मोस्ट इन्फेक्शन उनमें होता है जो कि जो घर से आउट ऑफ एक्सेस होती है उनको होम से। इसके अलावा अगर आपकी कैट बाहर गई है तो वो वहाँ से कैट बाइट होके आई है, तो ऐसे होता है कि जो बाहर के स्ट्रे कैट्स होती हैं उनके जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जैसे वो बाइट करती हैं तो वो अपने जो बैक्टीरिया हैं वो डीप स्किन के अंदर इंजर्ट कर देती हैं, जो कि इन्फेक्शन की बहुत बड़ी रीज़न है, जो कि बहुत सी कैट्स में कॉमन होती है। और इसके अलावा जो कुछ कैट्स होती हैं वो हाइपर सेंसिटिव होती हैं कुछ एलर्जेंस के, लाइक मोल्ड, फंगस हो गया, पोलन हो गया, या हाउस डस्ट, इनके मतलब हाइपर सेंसिटिविटी होती है। कोई वो इनहेल करते हैं एलर्जन तो उनको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है और फिर वो उनका स्किन इन्फेक्शन होते हैं। जो फंगल रिएक्शन है उनकी वीडियो मैं अलग से बना दूँगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक, उसमें रिंग वर्म बनते हैं और वो अलग चीज़ है। आज हम सिर्फ बात करें जो बैक्टीरियल के थ्रू जो भी इन्फेक्शन स्किन में होते हैं। कुछ जो कैट होती हैं वो फ्ली से हाइपर सेंसिटिव होती हैं, लाइक फ्ली जब उनको बाइट करती हैं तो जो फ्ली का स्लाइवा होता है उनके स्किन में जाता है, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी काज करता है और उनको FAD हो जाता है, फ्लीज एलर्जेंस डर्मेटाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से सवेर किस्म का प्रूराइटिस होता है, उसमें उनकी जो स्किन है वो स्केबी हो जाती है, हेयर लॉस हो जाते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है इनके अंदर आपकी कैट कुछ इस तरह के साइन शो करती हैं, लाइक इचिंग कर देना अपनी स्किन को, उसके अलावा लिकिंग करती हैं, फर को चीव करती हैं, चिविंग करती हैं, उसके अलावा हेयर लॉस हो जाते हैं उनके, और उसके अलावा जो है बम्प, स्किन के ऊपर बम बन जाते हैं, स्केबी हो जाती है एंड स्केल्स आ जाते हैं स्किन पे। तो इनके लिए मैं आज को इनको ट्रीटमेंट कुछ बताऊंगा और कुछ इनको प्रिकॉशन बताऊंगा। ट्रीटमेंट के अंदर हम उनको एंटीबायोटिक देते हैं स्किन से रिलेटेड, जो भी स्किन इन्फेक्शन को दूर करती हैं, उसके अलावा उनको पेन किलर देते हैं। और जो एंटीबायोटिक होते हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, बट मैनी वीक्स चलते हैं अगर जो डीप इन्फेक्शन हो। और अगर आपकी कैट की जो स्किन है वो बिल्कुल ठीक भी हो गई तब भी एंटीबायोटिक कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उनका एक ड्यूरेशन होता है एंटीबायोटिक्स का। उसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस वो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, जिनके अंदर मिसाल के तौर पे अगर कैट बाइट हुई है तो अगर आप उसको पायोडीन लगा रहे हैं तो पायोडीन कैट के अंदर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस काज करता है, तो इससे आपने बचना है। उसके अलावा इसी तरह उनको जो भी कैट आपके उसको स्किन का इन्फेक्शन है तो आप उसको पायोडीन नहीं यूज़ करनी है, आपने यूज़ करनी है क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन उनमें एक एंटीसेप्टिक एंड सेफ साइड है। और दूसरी प्रिकॉशन ये है कि आपने अपनी कैट को डस्ट फ्री एरिया में रखना है। अगर उनको कोई भी एलर्जन हो तो उनके ऊपर एक्नी बन जाती है, ब्लैक कलर की ना वो एक्नी बन जाती है, जिसकी वजह से वो जो जाती नहीं है, अबाउट एक मंथ दो दो मंथ उनके ऊपर रहती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और उनको ट्रॉपिकली ऑइंटमेंट भी लगाते हैं और उनको मेडिकेशन भी देते हैं। मैं आपको बताऊँ तो नहीं कहा कि क्या क्या मेडिकेशन आप कर सकते हैं, वो आप अपने वेट के पास जाएं और उनको दिखाएं, उसके मुताबिक वेट जो भी रिकमेंड करेगा वो आपने लाजमी वो उसको फॉलोअप करना है। इसके अलावा अगर आपकी कैट को स्किन इन्फेक्शन है तो आप उसको अगर रोटी खिला रहे हैं तो वो भी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, क्योंकि रोटी के अंदर ग्लूटेन होता है, जो कि स्किन को एलर्जी, बहुत सी ऐसी कैट्स हैं जिनको ग्लूटेन से हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जेंस के तौर पर रिएक्ट कर जाती है। तो और उसके अलावा आप अपनी कैट को फिश ऑयल खिलाएं रोज़ का, डॉक्टर क्लाउडर के मिल जाते हैं, तो वो उससे ये होता है कि जो आपकी कैट की स्किन होती है उसके ऊपर ऑयल की लेयर्स होती है, वो उसको डेवलप करेगा, हेयर फॉलिकल्स आएंगे एंड स्किन आपकी स्मूथ एंड शाइनी होगी। तो ये कुछ ऐसी रीज़न है जिनका हमें ख्याल रखना है। और अगर आपकी जो कैट है
वो ज़्यादा उसको इन्फेक्शन हो गया या कोई और फंगल इन्फेक्शन है, तो आप उसको अपने वेट के पास लेके जाएं, तो वो उनको देखेगा उनको क्या इशू है और उसको हिसाब से वो ट्रीटमेंट करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।